हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ गया हूँ, सभी बच्चों के लिए। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, फिर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कोई रेलवे की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सभी बच्चों के लिए ये चीज़ होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनली रेलवे ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है, फुल एनुअल कैलेंडर। और ये कैलेंडर केवल इसी साल का नहीं रहने वाला है, क्योंकि हर साल अब लागू होगा ये कैलेंडर, हर ईयर में, हर नेक्स्ट ईयर में लागू होगा ये कैलेंडर। और कब रेलवे ने अपना फुल जो एनुअल कैलेंडर होती है उसकी कब भर्ती किस चीज़ की आएगी टोटल उसने अनाउंस कर दिया है, उसने जारी कर दिया है, ऑफिशियल तौर पे अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसका फुल कैलेंडर के बारे में डिटेल्स, जो कि रेलवे अपना एक फुल कैलेंडर एनुअल की जो बेसिस पे है वो जारी कर दी है, पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कि किस मंथ में कौन सा कैटेगरी का भर्ती आएगा, और पूरा प्रॉपर बताया गया हर एक पोस्ट के बारे में। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनुअल कैलेंडर ऑफ फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स, यानी कि आरआरबी रिक्रूटमेंट जितने भी करवाती है उसका एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर बताया गया है कि इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस, देखिए का पीरियड, देखिए जनवरी से लेकर के मार्च में, और ये केवल आप लोग का इसी साल का नहीं है, ये हर साल लागू होगा ये कैलेंडर। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, चाहे वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कि ये वीडियो अब हर लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। और ये आरआरबी का जो ये कैलेंडर है ये भी लाइफ टाइम के लिए हो गया वैलिड है, क्योंकि ये वाला कैलेंडर केवल इसी साल का नहीं है, हर साल का ये कैलेंडर है, ठीक है। देखिए आगे क्या बताया गया है, जनवरी से मार्च तक के बीच में आप लोगों के ईएलपी के वैकेंसीज आ रहेगी। देखिए आगे क्या बताया गया है, अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में आप लोगों का टेक्नीशियन टीएन की भर्ती आ जाएगी, और जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोगों का इसमें किस किस की पोस्ट पर भर्ती आएगी। देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि एनटीपीसी की भर्ती जो आती है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और उसमें लेवल 4, 5, 6 के पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। देखिए मैं आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स के पास पहुँच सके वीडियो ये, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए अप्रैल से जून के बीच में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, देखिए टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, और जुलाई से सितंबर के बीच में कौन कौन सी, तो पहली जुलाई से सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल पे आती है, और उसके बाद से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट वाला यानी 12th बेसिस पर आती है, ठीक है, 12th बेसिस पर आती है, तो जो कि लेवल 2 एंड लेवल 3 वाले बच्चों के लिए होती है, और जो कि ग्रेजुएट लेवल पर आती है वो लेवल 4, 5, 6, जो कि ये दोनों एनटीपीसी की भर्ती है, ठीक है, एनटीपीसी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट कराया जाती है। देखिए एनटीपीसी, और इसे एनटीपीसी में दो पोस्ट पे आता है, एक ग्रेजुएट लेवल पे और एक 12th लेवल पे आता है। तो 12th लेवल पे कौन कौन से लेवल आते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 आते हैं 12th वालों के लिए, और लेवल ग्रेजुएट वाले होते हैं तो ग्रेजुएट वाले 4, 5, 6 होते हैं, और ग्रेजुएट वाले इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि ग्रेजुएट वाले तो ग्रेजुएट हैं तो उनके जाहिर सी बात है उनके पास 12th की डिग्री होगी, इसलिए वो लोग भी इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं दोनों के लिए, ग्रेजुएट वाले और 12th वाले बस इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं एनटीपीसी में बस। और उसके बाद जुलाई से सितंबर इसी के बीच में आप लोगों जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की भर्ती आएगी, और उसके बाद से पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी भर्ती आएगी इसी कैटेगरी में। आप लोग का जुलाई से सितंबर के बीच में पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती आएगी, और उसके बाद से आप लोग बताया गया अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोग का लेवल 1, बहुत बड़ी ये न्यूज है आप लोगों के लिए लेवल 1, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 10th पास हैं और वैकेंसीज का वेट कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी 10th वाले बच्चों के लिए। तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को फाइनली अनाउंस कर दिया गया अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी, और ये लेवल 1 की वैकेंसी, लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भर्ती आने वाली है, ठीक है, जो कि लेवल 1 होता है ग्रुप डी, ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए जुलाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भर्ती आने वाली है। और उसी के साथ साथ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाली इसकी भी भर्ती आएंगी, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की जो भर्ती आती है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही आएंगी आप लोगों को। तो मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दिया हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं खुद रेलवे में एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट रेलवे में, मेरा खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, मैं सारा कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूं आप लोगों को, जितना कुछ मैं डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूं। और मेरा चैनल पे आप लोग जाके देख भी सकते हैं, मेरा सारा कुछ पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, एग्जामिनेशन हॉल का मैं सीन दिखाया हूं आप लोगों को, और मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल का भी सीन दिखाया हूं, मेडिकल कैसे होता है, तो सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मैं आप लोग बता दूं यहां पर क्या बताया गया है,
ठीक है, 2 फरवरी 2024 यानी कि आज के ही डेट में ये नोटिस पब्लिश किया गया है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ग्रुप डी भर्ती का वेट कर रहे थे, परेशान थे कि कब आएगी ग्रुप डी की भर्ती, NTPC की भर्ती, जूनियर इंजीनियर की भर्ती। तो फाइनली अब आप लोगों का अनाउंस कर दिया गया है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ऑफिशियल तौर पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों का ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी की आने वाली है, और NTPC में दो कैटेगरी चाहिए, 10 बेस पे 12 बेस पे और ग्रेजुएट बेस पे, दोनों वाली भर्ती है जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जूनियर इंजीनियर की भी और पैरामेडिकल स्टाफ की भी। तो आप लोगों को मैं बहुत बड़ी न्यूज़ दिया हूँ। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रेलवे से रिलेटेड या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।